एंड वेलकम। वैसे जो भी कहो, कहीं पर भी घूमो, आप किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस पे चले जाओ, लेकिन जो सुकून घर आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। अलाइना आई कर दो। आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करण, आपके पास दो ऑप्शन दिए जाए कि आपके घने लंबे बाल हो जाए या फिर आप जो भी खाओ आप मोटा ना हो, आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? पहला वाला, घने लंबे बाल। ओहो, हर इंडियन के लिए बाल और बच्चे ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। बाल बच्चे सही है कि नहीं? आई ऑल्सो एग्री दैट यू नो फॉर इंडियंस हेयर इज एक्चुअली वेरी 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 इम्पोर्टेंट। करण, जेलस? That's not even covering. I can help you. See, how about this? Alayna, look at Papa. So let's get started. Alayna को करना है। पापा है साथ में। इधर। पापा है। और अजय तो डोनेट करने की भी जरूरत नहीं है। You guys are doing a hair video without me. टाटा अलाइना, टाटा मम्मा, ये हैव फन। अलाइना इज गोइंग फॉर हर साइकिल प्ले टाइम। टाटा अमुआ, आ रही है मम्मा, आप चलो। ओके, सो करण की रात को फ्लाइट है, सो आई हैव टू प्रिपेयर हिज यूनिफॉर्म, हिज डब्बा एंड ऑल दीज थिंग्स। सो पायलट की जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही अलग होती है। सो रात को फ्लाइट, यू नो, दिन में सोना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। ये वाली शर्ट लेके आई हैव टू आयरन दिस, देन करण इसको रेडी करेगा। बिफोर दैट करण को बाहर जाना है, सो आई हैव टू गिव हिम अ चम्पी। Presenting to you the Vilvah hair growth oil. So the amazing thing about this oil, first of all, is it is made out of 100% natural oil. And the special thing that I want to talk about is the pumpkin seed oil, guys, जिसमें magnesium और zinc होता है, which helps to promote your hair growth and improves your hair and your scalp. And specially it is shown results after 20 weeks of use. So मैं ये काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, खुद पर भी और करण पर भी। सो आज भी करण का लकी डे है बिकॉज चम्पी टाइम। सो आई एम गोना यूज दिस। करण के बालों के लिए इतना काफी है। That's for this hair oil, which is amazing. So let's start our champi, and I'm going to talk more about this Vilvah hair growth oil. Okay, Karan, are you ready for your hair champi? Oh yeah. Oh yeah. So generally, Karan और मैं एक दूसरे को ये hair oil का ये मसाज देते हैं, and हफ्ते में I think 2 बार at least we try to put it, guys. You know, खुद का तो मुझे यहाँ पर अगर if you notice over in this patch, पोस्ट प्रेगनेंसी मेरा ये वाला जो पैच था ना, ये यहाँ से काफ़ी गायब होने लग गया था। सो दिस इज़ रियली हेल्प्ड एंड वी बीन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। एंड फॉर करण ऑल्सो आई थिंक इट इज़ रियली हेल्प्ड। करण का चम्पी टाइम अभी चालू हो रहा है फ्लाइट से पहले, क्योंकि करण को रात की जो फ्लाइट है उससे पहले सिएस्टा टाइम पायलट्स बोलते हैं। जनरली दे स्लीप बिफोर द फ्लाइट, ताकि वो फ्लाइट में एक्टिव रहे। अनदर गुड थिंग अबाउट दिस ऑयल, इफ वी टॉक अबाउट द टॉकिंग पॉइंट्स गाइज, कि एक तो ये जो स्कैल्प है उसको हेल्दी करता है। It has a secret ingredient, guys, because it is combined with other wonder oils like kalonji oil, castor oil and grapeseed oil in the right proportion. It rejuvenates your hair growth, आपकी नई हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो एग्जिस्टिंग है उसकी बाल की थिकनेस को इम्प्रूव करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सो अब करण जा रहा है एकदम जेन मोड में, क्योंकि मैं अभी इसकी चम्पी चालू कर रही हूँ। For best visible results, I would say use it for at least 18 to 22 weeks, and you can either put it for 1 hour on your hair or leave it overnight. The best thing about Vilvah products is that it is sustainable skincare with no animal testing, and their ingredients are 100% farmed and sourced locally. It has no sulfates, no silicone, no parabens, no artificial fragrance, no harsh chemicals, no glycols, and no GMOs. Okay, thank you for coming to our salon. आपका मसाज हो गया है ओवर, एंड स्पेशल थैंक्स टू Vilvah हेयर ग्रोथ ऑयल। गाइज, इफ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस अमेजिंग हेयर ऑयल, देन यूज माय कोड shikha20, एंड द फर्स्ट 500 पीपल आर गोइंग टू अवेल दिस डिस्काउंट। सो गो, हरी अप, यूज दिस डिस्काउंट राइट नाउ बिकॉज हम लोगों को तो अमेजिंग इफेक्ट यहाँ पर लगे। क्या कहते हो करण? करण तो सो गया ऑलरेडी बट अभी घर में और भी बहुत सारे काम है। करण का बाकी का सामान, फ्लाइट का सामान रेडी करना है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक पायलट और एक्टर की लाइफ का मिक्सचर क्या होता है। मुझे रेडी होना है, करण को रेडी होना है और घर में अभी तो बच्चा भी है, गोकू तो हमेशा से था, बट लेट्स गो। करण के पास तो बहुत सारी वाइट शर्ट्स हैं यूनिफॉर्म की, तो मैं बीच बीच में उसे ड्राई क्लीन कराती रहती हूँ सो दैट स्टेज एकदम वाइट एंड क्रिस्प। बारिश में भीग गए, बारिश आ गई और मेरा बच्चा भीगू भीगू हो गया एकदम से, पता ही नहीं चल गया। ओहो चलो आज तो मिला गिरती साइकिल करके आ गया। हां जी, डिड यू हैव फन? हां जी, कितनी सारी साइकिलिंग की थी, बहुत सारी। चलो हैंड वॉश करो, बाहर से आयो ना, शूज उतारो बाहर के, पोछा लग गया ना घर में, सॉक्स रहेगी भाई। चल अभी हैंड वॉश करेगी लाइन आप पे। चलो आओ स्टूल पे, आओ, गो ऑन योर स्टूल, चलो स्टूल पे चढ़ो। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, स्ट्रॉन्ग गर्ल, ओह वेरी गुड। तो अलायना का नीनू टाइम है अभी, आफ्टरनून में उसको सुला देती हूँ मैं। और अभी अलायना बिग गर्ल हो गई है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अलायना अभी पिलो पे जाके अपने आप पे सो जाती है। वेल राइटली से आप कितने बड़े, आप अपने प्रोफेशन में कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, लाइक आप एक्टर हो चाहे आप पायलट हो चाहे जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू बिकम अ मदर नो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एक अलग ही वो हो जाता है, आपका कुछ टाइम नहीं रहता किसी चीज़ से, कुछ चीज़ का वो नहीं रहता। तो अभी अलायना को नीनू कराएंगे, उसके बाद बाकी का काम देखेंगे अलायना। सो अलायना इज स्लीपिंग एंड आई हैव टू गेट रेडी। हेलो हेलो हेलो, ओके सो वी आर रेडी। तो करण आपकी शर्ट रेडी हो गई है। थैंक यू। इससे पहले कि करण सोने जाए, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाली हूँ कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और करण एक पायलट है, और हम दोनों का जो प्रोफेशन है वो एकदम फायर क्रैकर कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों ही बड़े ग्लैमरस प्रोफेशन है। सो करण जब डोंट थिंक ग्लैमरस एग्जैक्टली लगता है, मगर और भी तो क्या, हर वक्त तो 5 स्टार होटल्स में रहते हो, यू नो ऑल दीज 5 स्टार क्विजीन्स खाते हो, और एक्टर्स भी ऑब्वियसली ऑल फैंसी, लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रैवल और फैंसी, तो ग्लैमरस तो है ही ना, दिखने में ग्लैमरस है, सच्चाई कुछ आपके आप अपने प्रोफेशन के बारे में बोल रहे हैं, मेरे दोनों के बारे में बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा बट नहीं एक्चुअली में जब करण मुझे पहली बार मिला था तो आई वॉज द फर्स्ट सो कॉल्ड एक्टर दैट ही गॉट इन टच विद। सो उसको लगा कि हाँ एक्टर लोग ऐसी होती है। फिर जब वो बाकी एक्टर्स को मिला तो उन्होंने लाइक यू आर नॉट लाइक एन एक्टर, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? ऑल द ड्रामा ऑन द टीवी, नो ड्रामा इन रियल लाइफ। तो आप कहना चाह रहे हो बाकी के एक्टर जैसे रियल लाइफ में जैसे टीवी पे होते वैसे घर पे आके आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आज किसके साथ घूम रहे थे, ये बताओ, वो सब कुछ होता है। I assume. Okay, he assumed. Karan was the first so-called pilot that I met. मुझे तो कोई preconceived notion नहीं था actually pilot के बारे में, but when I met him he was always roaming around like this. तो मुझे लगा था ये बहुत दारू पीता होगा, बहुत सिगरेट विगरेट ये सब कुछ। जब ये ऐसे घूमता था, जब ये मुझे पहली बार मिला तो ऐसे बोलता था, मैं बोलती Are you drunk or what? He said I don't drink. Like then what are you doing? I don't drink, I don't smoke. I did not believe him. But then जब धीरे-धीरे obviously I met him and I realized that you know that he's actually a teetotaler, he's a good boy. और ये कितना प्यारा बेबी है। And जैसे कि मैं बाकी एक्टर्स से बहुत ही अलग हूँ, करण बाकी पायलट से भी बहुत अलग था, तो अलग-अलग लोग हैं साथ में। वाह, you can sleep so off, फिर उठ के then Karan has to get ready for his flight. I have to go out, you know, I have to do an actor's job. See you. पापा कहाँ है? देखो पापा ब्लैंकेट के अंदर है, क्या देखो ब्लैंकेट के अंदर है, देखो पापा अंदर छूटे हो गए देखो देखो कहाँ दिख रहा है, क्या नहीं है, नहीं है तो कहाँ गए पापा, कहाँ से आए बाबा, शर्मू तो देखो इसको, पहले उसने ब्लैंकेट में आपको ढूंढा, फिर आप मिले नहीं फिर कर्टन के पीछे ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिले, कहाँ से आ गए पापा, कहाँ से आए, कहाँ से आए। अब करण अपनी यूनिफॉर्म रेडी करेगा, पायलट्स लाइफ। हाँ करण मैंने अपना काम कर दिया है, यूनिफॉर्म की शर्ट रेडी है। अलायना को पता चल जाता है करण फ्लाइट पे जाने वाला है तो वो करण को ज्यादा ही क्लिंगी हो जाती है ना। अलायना गए थे पार्क में, सब पता है मैं मम्मा के पीछे से। मम्मा गई थी बाहर, अलायना पापा मस्त। मम्मा ने भी अलायना के साथ कुछ बनाया है पापा। Are you ready to see that? So करण is ready for the flight. अलायना की आंखों में अभी भी दूर दूर तक कोई नींद नहीं है। अलायना and करण, are you ready for the flight? Betting there. Thankfully अभी करण एक शॉर्ट फ्लाइट के लिए जा रहा है, so he'll be back with us soon. ये क्या हो रहा है भाई? पापा को फ्लाइट पे नहीं जाने देना। और व्हाट सी आई टोल्ड यू ना, चाहे आप कितने बड़े एक्टर क्यों ना हो, कितने बड़े पायलट क्यों ना हो, जहाँ आप एक पेरेंट बन जाते हो इट ऑल कम्स डाउन टू देम। सारे पेन और पेंसिल हमें अलायना से छुपाने पड़ते हैं। पापा की न्यू शूज का उद्घाटन करो। ये ना पापा शूज आर ऑल लकी लकी फॉर पापा। चलो पापा को टाटा बोल के आएंगे। और इसी के साथ हमारे दिनचर्या की दिन का जो इतने भी काम थे वो सब खत्म हो गए। अभी रात के बज रहे ऑलमोस्ट 11:30। अलायना की आंख में नींद का एंड भी नहीं है। अलायना नो बेबी, दिस इज डर्टी शोना। Do not forget to subscribe to Shikha Singh Vlogs. Comment में बताते रहे what all would you like to see and what all did you like. So good night, take care. अलायना good night बोलो सबको, बोलो see you, love you.